तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ऑल न्यू सुजुकी एक्सेस, जो कि हमारी BS6 वाला मॉडल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बाइक या स्कूटी का कंटेंट देखने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर करो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू XS125 PS6। आप देख सकते हैं स्कूटर को कुछ इस टाइप का है। तो शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आपको इस स्कूटर के अंदर जो है वो रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प यहाँ देखने को मिलते हैं, और आप जो है यहाँ साइड मिरर देख पा रहे हैं, ये जो है आपको क्रोम फिनिश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और बात करें अगर इसकी इंडिकेटर्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसके इंडिकेटर हैं फ्रेंड्स, वो हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर आपको इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलते हैं। और दूर से स्कूटर की लुक जो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ देखने को मिलती है। फ्रंट के बारे में तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट टायर है वो आपको 90/90/12 का देखने को मिलता है, वो भी अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के साथ। आपको जो है स्कूटर के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और रेयर में आपको स्कूटर के अंदर जो है वो ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी जो फुल बॉडी है वो आपको मेटल के अंदर देखने को मिलती है। इस स्कूटर के अंदर जो आपको फाइबर पार्ट्स का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ यहाँ फ्रंट में किया गया है, सिर्फ यहाँ। आप ये साइड वाली बॉडी को भी देख सकते हैं, ये जो है मेटल की है, रहने वाली है आपकी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा इसके डैशबोर्ड की। तो मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा दूँ, कुछ इस टाइप से इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो है आपको जो है अपर डिपर का यहाँ स्विच देखने को मिलता है। अब आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर का जो स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ नीचे जो है आपको फोन का स्विच देखने को मिलता है, और जो आपका किल और जो स्टार्ट स्विच है वो आपका ये रहा। आप यहाँ करेंगे तो ये इसका किल स्विच ऑन है, और यहाँ से इसका किल स्विच अनलॉक हो जाता है। और जब आप इसको ही एक बार और नीचे की तरफ प्रेस करोगे, तो जो है आपकी जो स्कूटर है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, और साथ में आपको यहाँ एक USB चार्जर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको एक तो हुक मिलता है जिसके अंदर आप 3 किलो तक का कोई भी सामान यहाँ पे लटका सकते हैं। और भाई स्कूटर का जो बोर्ड है, फुट बोर्ड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप स्कूटर के साथ थोड़ा भी लंबा ट्रैवल करोगे तो भी जो है आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो अब बात करते हैं स्कूटर की पीछे से लुक के बारे में। तो भाई पीछे से जो है स्कूटर की लुक कुछ इस टाइप से यहाँ आपको देखने को मिलती है। पीछे जो है आपको हैलोजन बेस्ड टेल लाइट देखने को मिलती है, मेन टेल लाइट भी आपको हैलोजन में मिलेगी, और इंडिकेटर भी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका फ्यूल टैंक जो आपको पीछे देखने को मिलता है, और ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्कूटी है वो E20 पेट्रोल से चलने के लिए कैपेबल है। और जो इसका रेयर टायर साइज़ है दोस्तों, वो जो है 90/110 का है, जो कि 10 इंच का रहने वाला है हमारा। पीछे भी आपको जो है अलॉय व्हील देखने को मिलता है। ऐसे मैं बता दूं कि मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये इस स्कूटर का जो है टॉप मॉडल है। इस टॉप मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, तो चलिए बात करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको जो चाबी है वो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है, और ये आपका लॉक सिस्टम, इग्निशन सिस्टम। अगर आप, मैं एक चीज़ दिखा दूँ, अगर आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करोगे तो जो आपका शटर लॉक यहाँ से लग जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है भाई, आप कहीं भी पार्किंग में अगर इसको पार करके चले जाओ तो कोई भी पीछे से आके अननेसेसरी इसके अंदर जो है वो उंगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है वो देख सकते हो कि आप शटर लॉक के जरिए वो जो है लॉक हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका शटर लॉक खोल लेता हूँ यहाँ से, और
जैसे ही मैं यहाँ से चाबी को इसके अंदर डालूँगा, यहाँ से ऑन करता हूँ, तो आपको जो है कुछ इस टाइप की यहाँ डिस्प्ले देखने को मिलती है। और मैं बता दूँ कि आपको इसकी डिस्प्ले के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ सबसे ऊपर देख पा रहे होगे तो ये आपको यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी दिखाएगा, मतलब कितना आपका पेट्रोल है वो पेट्रोल का लेवल दिखाएगा। ये आपका ओडोमीटर है, ओडोमीटर में आप चेक कर सकते हैं कि ये टोटल 1 किलोमीटर चला है। यहाँ आपको स्पीड दिखाएगा, यहाँ आपको इंजन का टेम्परेचर बताएगा कि कितना टेम्परेचर है, और मोड बटन से आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लूटूथ पेयरिंग मोड जो है वो इसमें जो है फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मोड आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपका आ गया ट्रिप ए, आप देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप ए ही दिखा रहा है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है आपको यहाँ पे 12.4। ये आपका ओडोमीटर आ गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज और ओडोमीटर। बाकी सारे जो फीचर है फ्रेंड्स, वो आप जो इसको ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ अनेबल हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इको, और जैसे ही आप इसको इको मोड पे चलाओगे तो ये जो है काफ़ी कम फ्यूल कंजप्शन करेगी। और यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है, और हाई बीम लो बीम का जो है वो मेरे ख्याल से जब स्कूटर स्टार्ट होगा। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाई बीम का यहाँ ऑन हो चुका है। और अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आप जो है यहाँ आई बटन के अंदर आपको लाइट ग्लो होती हुई नज़र आएगी, और ये आपका इंजन मेल फंक्शन का आ गया। और कोई भी एरर होगा तो वो आपको यहाँ शो होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो कुछ इस टाइप से रहने वाला है ये आपका स्कूटर। और तो मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कूटर हमारा वो कुछ इस टाइप से ओवरऑल लुक जो है हमारे स्कूटर की, और काफ़ी अच्छा स्कूटर है फ्रेंड्स ये। अगर आप जो है नया स्कूटर ख़रीदने की सोच रहे हो तो आप जो है इस स्कूटर को भी एक बार कंसिडर करके देख सकते हैं कि आपको स्कूटर कैसा लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस स्कूटर के अंदर जो आपको काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिलते हैं, और अलग अलग कलर के साथ जो है ये स्कूटर अवेलेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये स्कूटर, वो स्कूटर भी जो है डुअल टोन थीम के साथ आता है, सेम ये डुअल टोन थीम के साथ है। लेकिन इस स्कूटर में एक अलग बात ये है कि इस स्कूटर में आपको जो है वो एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। और यही मैं बात करूँ इस वाले स्कूटर की, तो इस स्कूटर के अंदर जो है वो आपको फुल्ली जो है डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ पे। और मैं बात करूँ तो मैं आपको एक बार शोरूम का दिखा देता हूँ कि आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और ये जो मेरे सामने खड़ा है फ्रेंड्स, ये हमारा बेस मॉडल रहने वाला है, और ये जो हमारे सामने खड़े हुए हैं ये सारे जो है वो टॉप मॉडल हैं। टॉप मॉडल का जो है वो आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि टॉप मॉडल जो है एक तो डुअल कलर में आता है, और साथ ही में जो है फ्रेंड्स आपको उसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया कि इसका जो बूट स्पेस है फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो बूट जो है इसको तो बूट जो मैंने इसका यहाँ से ओपन कर लिया, बूट स्पेस भी इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा आपको देखने मिलता है, करीब 21 लीटर के आसपास का जो है आपको यहाँ बूट स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही में जो है जब भी आप परचेस करोगे तो आपको टूल किट और फर्स्ट एड किट साथ में मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और पेट्रोल जो है वो आप यहाँ से फिल करा सकते हो, पेट्रोल की कैप है ये, सिंपल आपको जो चाबी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। आपको जो है आगे से जाके आगे से जो है ये आप अनलॉक नहीं कर सकते, इसके लिए जो है आपको चाबी हाथ में लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा ऐसे, देन आप इसको ट्विस्ट करोगे तो आपकी जो है पेट्रोल की कैप ओपन हो जाएगी, और आपको इसके अंदर जो है 5 लीटर का पेट्रोल टैंक यहाँ देखने को मिलता है।
चलिए मैं इसको वापस लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस टाइप से ये स्कूटर फ्रेंड्स आप, तो दोस्तों इस टाइप से है जो हमारा स्कूटर है, वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर तो दोस्तों हमारा स्कूटर जो है वो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप भी स्कूटर को परचेज करना चाहते हो तो मैं शोरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जो है वो आप देख शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं और क्या स्कीमें हैं। फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।